उत्तराखंड में नशा तस्करी का कारोबार अपने चरम पर है। नशे के सौदागर इस बार अपने नापाक इरादों में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया है, साथ ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार अपने चरम पर है और ये कारोबार रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, लेकिन पुलिस मुस्तैद है। सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके पास से प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें से बड़ी मात्रा में अवैध दवाओं का स्टॉक बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि जब टीम ने कार चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह दवाएं प्रतिबंधित हैं और नशे के आदि युवाओं को सप्लाई की जाती हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। 17,000 कैप्सूल, इतनी भारी मात्रा में कैप्सूल इतना कभी नहीं पकड़ा गया। 17,000 नशीले कैप्सूल विभिन्न प्रकार की 5 से 6 लाख रुपए का वैल्यू है, जिसको हमने गिरफ्तार करके बरामद किया गया है। अभी हमको 2-3 सवाल और मिलना है, क्योंकि किस मेडिकल शॉप से ये लेके आ रहा था, इतनी भारी मात्रा में किसने इसको दे दिया। 100-200 तो समझ में आता है, लेकिन हजारों में इसने किसने इसको दे दिया है? क्या इसके पास लाइसेंस था और किस फार्मेसी ने या किस मेडिकल शॉप ने कहा है, बाहर का हो या अंदर को, किसने इसको दिया? ये सब जांच का विषय है, उनके विरुद्ध कार्रवाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।